करते हैं बॉडी सेंटर यूनिट सेल में जो यहाँ पे जो स्पेस है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, लेट ए एंड आर बी द लेंथ ऑफ क्यूब एंड स्फेयर। यहाँ पे हमारे पास जो ये यूनिट सेल है इसकी लेंथ हमारे पास जो साइड की हमारे पास जो लेंथ है वो कितनी हो गई ए, और यहाँ पे जो हमारा स्फेयर है उसकी हमारे पास रेडियस कितना हो गया तो आर। तो स्टूडेंट ये क्लियर करने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे दो फेस है ए बी सी डी, और नीचे हमारे पास क्या है एक और फेस है हमारे पास इस यूनिट सेल का ई डी सी एफ। अब यहाँ पे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि बॉडी सेंटर यूनिट सेल में कॉर्नर के एडिशन में हमारे पास एक एटम एक्स्ट्रा होता है, कहाँ पे तो विद इन द बॉडी, बॉडी के अंदर। अब हमें ये करना है सबसे स्टार्टिंग में कि ए और आर के बीच में हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है, और सेम हमारे पास जो फॉर्मूला था पैकिंग एफिशिएंसी का उसमें हम पुट कर देंगे। उससे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि बॉडी सेंटर्ड बी सी सी, इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, बी सी सी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हैज टू एटम्स। बॉडी सेंटर यूनिट सेल में स्टूडेंट कितने एटम होते हैं तो दो एटम होते हैं। अब करते हैं स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि इसको पहले हम मार्क कर लेते हैं, ये हमारे पास आर हो गया, ये हमारे पास बी चला एटम आर, और ये हमारे पास आर, और ये हमारे पास रेडियस आर। अब यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि ये आर ये डायग्राम है कैसा, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम देख लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे आप देखोगे ए एफ, स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए एफ इज बॉडी डायगोनल, एंड यहां पे हम इसको एफ और डी को मैच कर देते हैं, तो यहां पे हमारे पास क्या हो गया, एफ डी इज फेस डायगोनल। सो स्टूडेंट्स को विजुलाइज करने के लिए ये देखो, यहां पे हमारे पास एक फेस हो गया हमारे पास ए एफ एफ डी, एफ डी हमारे पास क्या हो गया, ये इस फेस का हमारे पास ये डायगनल होगा, तो एफ डी हमारे पास क्या हो गया, फेस डायगनल। अब यहाँ पे आप देखोगे एफ यहाँ पे है और ए इसके पीछे यहाँ पे हमारे पास, तो ये हमारे पास इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक हमारे पास क्या हो गया, ए एफ, जो कि क्या है बॉडी डायगनल, जो एक रूम से दूसरे कोने तक जा रहा है। सो स्टूडेंट्स इतना मार्क करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हमें करना कुछ नहीं है, बस हमें यहाँ फाइंड करना है किसका, तो रिलेशनशिप। अगर बात करूँ ई एफ स्टूडेंट क्या होगा, तो ये भी ए होगा और ई डी हमारे पास क्या होगा, ए होगा, यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री बन रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, और वहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ए एफ आ जाएगा। ध्यान देना हमारे पास हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें लेना क्या है, ए डी हमें पता है हमें, तो ये निकालना है, देखना स्टूडेंट हमें ये निकालना है कि इसके बीच में हमारे पास आर आ रहा है ए आ रहा है, तो हमें इसके बीच में हमें निकालना है रिलेशनशिप क्या। यहाँ पे हमारे पास ए एफ हमारे पास क्या हो गया, 4R हो गया, ए डी हमें पता है क्या है ए है, बट हमें ए एफ नहीं पता कितना होता है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एफ डी, एफ डी कितना होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे कि इन ट्राइंगल एफ ई डी एंगल ई 90 डिग्री है। सो स्टूडेंट अगर एंगल ई 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस ला सकते हैं, क्या हमारे पास क्या लगेगा, ई एफ स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर इजक्वल टू हाइपोटेन्यूज, हमारे पास क्या है एफ डी स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास ई एफ क्या है, ए स्क्वायर प्लस ई डी हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर, और एफ डी हमें निकालना ही है, तो ये एफ डी स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास एफ डी इज इक्वल टू 2a स्क्वायर का अंडर रूट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, रूट 2a। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एफ डी कितना आ गया, रूट 2a। अब हम देखेंगे इन ट्राइंगल ए डी एफ, देखना है स्टूडेंट हमारे पास क्या है, इन ट्राइंगल ए डी एफ, यहाँ पे हमारे पास क्या, तो ए एफ डायगनल है, तो ये हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, हाइपोटेन्यूज होगा। ए डी हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हाइट हो गई, और ये हमारे पास एफ डी हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट, तो ये हमारे पास हो गया बेस। तो यहाँ पे हम लगाएंगे ये इन ट्रायंगल ए डी एफ एंगल डी हमारे पास कितना है, तो 90 डिग्री है, तो यहाँ से हम लगाएंगे ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी
स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखोगे आप कि ए एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो 1 r 2 3 4, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, तो 4 r² इज इक्वल टू हमारे पास क्या ए डी। स्टूडेंट ए डी कितना है, तो ए स्क्वायर हमारे पास आ गया प्लस एफ डी, एफ डी हमने पे निकाला है कितना, तो √2 a² ये स्टूडेंट हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस इसे हमने ओपन किया तो कितना आ गया 2 a² जो कि इक्वल टू हुआ 3 a² का। तो यहाँ पे हमारे पास a और r के बीच में हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमारा रिलेशन क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 r² / 3। तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, a यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट हो जाएगा क्या 4 r² / 3। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, 4 r / √3। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारे पास 4 r / √3। सो a इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या आ गया, 4 r / √3। ये हमारे पास वैल्यू हो गई a और r के बीच में रिलेशनशिप। अब हमें कुछ नहीं करना, जो हमारे पास जो फॉर्मूला था पैकिंग एफिशिएंसी का, हमें बस उसमें पुट कर देना है। कैसे करेंगे, हमें पता है कि पैकिंग एफिशिएंसी में हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फेयर अपॉन क्या होगा बच्चों, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू हमारे पास क्या होगा, सो 100। अब यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फेयर में हमारे पास बॉडी सेंटर में कितने एटम, स्फेयर एटम कितने होने हैं, तो 2, तो 2 * वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, तो 4/3 π r³ अपॉन हमारा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा हमारे पास, a³ * 100। ए की वैल्यू हमें भी निकाल के आए हैं, क्या है स्टूडेंट्स, ए का रिलेशनशिप हमारे पास क्या है, तो 4 r / √3, तो 2 * 4/3 π r³ / 4 r/√3³ * 100। सो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 68% स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो बॉडी सेंटर यूनिट सेल में जो एटम्स की एफिशिएंसी, वो कितना पोर्शन लेके बैठा हुआ है, कितना पोर्शन उसने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो 68% ये हमारे पास आंसर आ गया। इससे पहले हमारे पास क्या था सिंपल यूनिट सेल में, उसकी वैल्यू कितनी थी, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी थी स्टूडेंट्स, तो 52.36%।